मैं कह रही हूँ हम गाड़ी में ही बात कर लेते हैं, आप यहाँ लेके आ गए हैं, कोई देख लेगा तो फजूल में मसला बन जाएगा। तुम्हें मुझसे डर लगता? सच कहूँ तो पापा की बात आप ही हैं जिस पर मुझे बहुत बहुत ज्यादा एतबार है। तो फिर जल्दी से बता, किस बात की इतनी एक्साइटमेंट थी? मुझे फोन किया, मैसेज किया, फिर अपना फोन ऑफ कर दिया। मैं तो परेशान हो गया। आपको याद है कि आपने मुझसे कहा था कि हमारी जिंदगी में एक ऐसा इंसान होना चाहिए, ऐसा दोस्त होना चाहिए जिससे आप अपनी दिल की बात कर सकें, कुछ भी डिस्कस कर सकें। तो मुझे आपका ख्याल आया और मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या। रेडी? अच्छा, आपको माज वाली बात किसी ने बता दी होगी। ये मास कहाँ से आ गया? अरे यही बात तो बतानी थी मुझे आपको। क्या माज आया था पापा के ऑफिस, एक्सक्यूज किया उसने और कहने लगा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। पापा को उसकी बात इतनी अच्छी लगी, कहने लगे कि जब आदमी को अपनी गलती का एहसास हो ना और वो माफी मांगे, वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है। और याद है आपने भी मुझे कहा था कि जो माफी मांगे वो एक अच्छा इंसान होता है। मैं तो समझती थी कि वो ड्रामे कर रहा है जब भी वो माफी मांगने आता था, तो लेकिन वो तो बड़ा ही ब्रेव निकला, डायरेक्ट पापा के पास चला गया और माफी भी मांग ली, शादी की बात भी कर ली। तुम क्या कहती हो? सच कहूँ तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, इसलिए तो मैं आपसे बात करना चाहती थी। आपका क्या ख्याल है, मुझे हाँ कर देनी चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हारा दिल कह रहा है। कोई तो समझ में नहीं आ रही कि दिल क्या कह रहा है। एक मिनट, तुम्हें अपने दिल की आवाज सुनाई नहीं देती? नहीं सुननी आती भी नहीं है? नहीं अभी से कह देता, ये मेरा हाथ है। मेरे हाथ पे तुम अपना सर रखोगी और 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके खामोश बैठी रहोगी। फिर तुम देखना, तुम्हें अपने दिल की आवाज खुद आने लगेगी। हाथ दो। अरे दो, ट्रस्ट मी, रखो सर, रखो। और चीटिंग नहीं करना, आंखें बंद करनी है। अब 5 मिनट के लिए कुछ नहीं बोलो। Woo!